नमस्कार दोस्तों, आज आप सबों के लिए मैं पानी के ऊपर कुछ ऐसी विशेष बातें बताने के लिए बैठा हूँ जिसको जान करके आप हर्षित भी होंगे और आपको लगेगा कि ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं। लेकिन एक बात होती है कि किसी चीज़ को अंतर मन में महसूस कर लेने से हम उसको अपने जीवन में फायदे के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 70% जल ही है, यानी धरती पर 70% जल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जल की वजह से ही धरती कायम है। 30% जो है वो धरती को स्पष्ट करने के लिए है, धरती पे हर प्रकार के जीवन को चलाने के लिए है। अब धरती के 70% जल को हम अपने शरीर से जोड़ करके देखते हैं। शरीर में जो जल की मात्रा है वह भी 70% है, यानी हमारे शरीर का जो अस्तित्व है वह जल के कारण ही है। अब है कि शरीर में जल का क्या फायदा है? तो दोस्तों, जैसे धरती पर जल के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी तरह से अगर हमारे शरीर में जल की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी न हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है, यानी हमारा जीवन स्वस्थ नहीं हो सकता, आनंददायक नहीं हो सकता। इसलिए पानी हमारे शरीर में 70% हमेशा रहे, इस बात की निगरानी होनी चाहिए और पानी भी गंदा और साफ होता है तो इस बात का भी सावधानी रखनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ और प्राकृतिक जल का सेवन करें। प्राकृतिक जल का मतलब हुआ कुएं का जल और ठहरा हुआ जल। जैसे मोटर से हम पानी को अपने छत के ऊपर रखे हुए टैंक में भरते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि पानी में जो एक प्रवाह होता है उसके कारण पानी में एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। देहात में और पुराने लोगों की ये आदत होती थी कि वह किसी पात्र में पानी भर करके अपने चौकी या पलंग के नीचे रखते थे और सुबह उस पानी को पीने का उनका अभ्यास हुआ करता था। आजकल के भाग दौड़ के जीवन में ऐसा आप सबों ने देखा होगा कि इन सारी बातों पर गौर करने का अवसर नहीं होता है। कई बार हम बहुत देर तक प्यासे रह जाते हैं, नतीजा क्या होता है कि उसका सीधा प्रभाव हमारे किडनी पर पड़ता है और किडनी फेल्यूर की संभावना भविष्य में बनने जैसी हो जाती है। तो आप विचार करें कि पानी की वजह से ही हमारे शरीर में जो हृदय है, जो खून को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, और खून अगर सभी कोशिकाओं तक न पहुंचे तो भी कोशिकाएं मरने लगती हैं और अंततः शरीर के अंग मरने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे खून की जो नलियां हैं उन सबों को भी ढंग से काम करने के लिए सही मात्रा में पानी चाहिए। और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसकी निगरानी करें कि साफ सुथरा और पर्याप्त मात्रा में पानी प्रतिदिन हम पीते हैं, इसका ख्याल करें। धन्यवाद।